beginning with your man out on the first day. You won't be your three pieces of all you can eat. So look at that, I gotta feel it quick. Thank you.
शब्बीर सबको घर जाना है। शब्बीर जाके भी हो कृपया मंच पे आए, पांच लोगों का इंतजार कर रहे हैं। एक बच्चा टोपी उल्टी पहने हुए सफेद रंग की शर्ट, नाम शब्बीर, जिसको भी मिले उसको मंच पे ले जाए। करण ही बता सकता है कि क्या उसको मेरे से और जरूरत है
जैसे भी मुझे कोई मौका मिला था मैं दिखाऊँ, और मेरी फैमिली हमेशा चाहती थी कि मैं मैच खेलूँ, और दे वेरी हैप्पी इसका तो टेलीकास्ट में बहुत अच्छा हुआ है। मेरे पापा ने तो सारे वो फुटेज अंदर देख के हमेशा देखते रहे, तो हमारे पास स्टोरीज में डाल देते। सो थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग दिस ऑप्शन, थैंक यू ऑल। डेफिनेटली वी आर रियली हैप्पी कि आप लोग यहाँ पर हैं, वॉचो एक्सक्लूसिव्स का आज रिलीज भी है, वॉचो के साथ एक रेसिपी का नया रिश्ता जुड़ा, और डेफिनेटली वी एक्टर्स आप लोगों के साथ एक वॉचो एक्सक्लूसिव आप लोगों के बगैर होगा नहीं। आप लोगों का तो एक अलग जगह है, हर जगह पर स्टेज पर तो है ही है, लोगों के दिलों में है, और वॉचो एक्सक्लूसिव। Thank you so much. All right. Thank you, everybody, and congratulations for the success. But so I wanted to. अभी सारे सवाल मुझे उसमें cover करने हैं mostly, but I wanted to ask you a very weird question. You might mentally kill me in your head for this. But this is going to be the actual test of cricket, which I think you all have. नहीं, this is not a serious question though. It's not a serious question. Okay. It's a tricky question, not a serious question. So Virat Kohli basically unko le diya bhai champion. So Virat Kohli was thirsty and he wanted to have Pepsi, and he asked Jadeja to get him Pepsi, but Jadeja got the Pepsi and gave it to Rohit. Why? Matlab Virat ne manga to usko dena chahiye na, Jadeja ko Rohit ko kyun dena? Fantastic question. No. Come on. Very tricky, you know it. I know you know it. Sawab bata do, to bilkul pata hai. Yeah, that's the correct answer. So yeah, okay. Now, acha main chhod diya. So he might, you know, give him a chance. Okay. Now I think you all have. I can see the bond you have created after the season 4. So I want you all to sign on a bat. So that it is a memory for you and for everybody else. Dilip sir, I want you to do the same. So all the captains and everybody on the stage, let's do it together. Thank you everybody, now you can go back and enjoy the night. Thank you one more time. All right, I request Emma Jones to stay back. Good series, more than 2. What would you like to say, how was your experience with ACB? Obviously we've been playing cricket with the Boxy Boys for last for 18 years, and jab Dilip ne socha ki ek internal league karte hain, actors cricket batch, isme sirf actors honge, तो एक अच्छा थॉट था जिसको सबने सपोर्ट किया, एंड फाइनली वॉचो सपोर्टेड इट। एक अच्छा कोलैबोरेशन है वॉचो के साथ, अच्छा रीच है उनका, तो एसीबी के लिए बहुत अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा वो, और ज़्यादा से लोग देखेंगे उनके फेवरेट एक्टर्स को क्रिकेट खेलते हुए, और जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो बहुत अच्छा है एसीबी में। सो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, एसीबी के लिए भी और वॉचो के लिए भी। सो इट्स अ ग्रेट कोलैबोरेशन। बात करूँ क्रिकेट की तो हर इंडस्ट्री में चालू हो गया, बात करूँ भोजपुरी की, बात करूँ बंगाली की, हर जगह क्रिकेट चालू हो गया। आप किस नज़र से देखते हो? मैं खुद ही खेल रहा हूँ 10 साल से ऐसा तो एक लीग होता है CCL, वो हम 10 साल से खेल रहे हैं, 11 साल से। मैं मुंबई से खेलता हूँ जो अपने बॉलीवुड की इंडस्ट्री है उससे। बीच में एक मराठी की टीम थी उससे खेलता था, बट वो मराठी टीम अब है नहीं, तो उससे खेलता हूँ। तो बड़ा अच्छा है, देखिए क्या है ना, इंडिया में दो ही चीज़ चलती हैं, इंटरटेनमेंट और क्रिकेट, और अगर आप दोनों के हिस्सेदार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शरद जी, IPL भी चालू है, कौन सी आपकी फेवरेट टीम है और सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा नंबर 7 है,
तो आप समझ गए होंगे कौन मेरा फेवरेट प्लेयर है, ऑब्वियसली एमएसडी। और टीम भी मुझे मुंबई और चेन्नई की बहुत अच्छी दिखती है, बट इस साल मुझे लग रहा है कि कुछ उलटफेर होगा। आरसीबी इज प्लेइंग गुड, राजस्थान रॉयल्स इज प्लेइंग वेरी गुड, सो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, बट चेन्नई इज ऑलवेज बीन। बताया तो मैंने आपको सर, नंबर 7 है, तो कौन होगा? शरद जी, चोर निकल गया भागा में जिस तरह का आपका किरदार था, मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों के तरफ से, सस्पेंस एक जो सस्पेंस है काफ़ी बड़ा सस्पेंस है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ व्हेन? जब स्क्रिप्ट भी सुनी थी तभी वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि तुरंत हाँ बोल दिया था फिल्म के लिए, और लोगों को इतनी पसंद आ रही है तो बहुत अच्छा है। वर्ल्ड वाइड नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप 10 फिल्मों में आते हो नेटफ्लिक्स पे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बेहतरीन व्यूअरशिप है सेकंड वीक में भी, सो वेरी हैप्पी, फिल्म अच्छा कर रही है। एंड योर वॉइस इज सो ग्रेट, आप इतने सारे डबिंग करते हो, रिसेंटली आपकी जो डबिंग की जी जी काफी लोगों को पसंद आ रही है जी, डू यू फील ब्लेस्ड विद दिस वॉइस? ऑब्वियसली आई एम ब्लेस्ड, ऐसे मेरा तो कुछ हाथ है नहीं, मैंने कुछ डेवलप किया है तो गॉड गिफ्ट है, तो थैंक्स ऑलमाइटी जिन्होंने ऐसी आवाज़ दी है। बहुत सारी चीज़ें सर आप देखते रहेंगे, अभी अगले एक साल में 5-7 कुछ चीज़ें आती रहेंगी, तो बहुत बार देखूंगा आपको मैं। रोमांटिक भूमिका लवकरच दिसेल याच वर्षी, पिक्चर चालू आहे शूटिंग, नाही नाव नाव नंतर सांगू। थँक्यू पसीना येते यार, विजुअल भी खराब होते। मैं 4 साल से एसीबी खेल रहा हूँ एंड 4 साल से एसीबी खेल रहा हूँ, और आई थिंक मैं और सिर्फ 2-3 लोग होंगे पूरे उसके अंदर जो 2 बार टाइटल जीत चुके हैं। तो दिस टाइम आई वॉज इन दिल्ली और हमें बहुत ही खुशी हुई है कि हम लोग इस साल सीजन जीते, और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि जब लॉन्च पार्टी हो रही है तब साथ में वेब सीरीज मनगढ़ंत की भी हो रही है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम नॉट ऑन द लूजिंग साइड, और मनगढ़ंत का भी हो रहा है, सो आई एम सो 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 हैप्पी। सी, मुझे मैचेस के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट बींग माई पार्ट जो भी मेरी टीम के लोग हैं वो सब एसीबी से इंक्लूडेड एडेड है, एंड मैं मनगढ़ंत की टीम का पार्ट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेलर लॉन्च हुआ, सब लोग यहाँ पर है, सबका जो रिव्यू आया, सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू आया वो बहुत अच्छा आया, सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सीरीज। बेसिकली एसीबी 4 साल से हो रहा है एज ए सेट, और 3 साल से तो मैं भी खेल रहा हूँ, तो इस बार ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों थी, क्योंकि एसीबी इस बार वॉचों पर आया, वो हमारे लिए एक अच्छा था, हमारे लिए प्लस पॉइंट भी था कि ज़्यादा ऑडियंस है, ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आज की जो रिलीज है वो एक बोलते ना मिक्सअप हो गया और एडवांटेज हमें मिल गई। इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर लॉन्चिंग दिस मनगढ़ंत सीरीज एंड वी आर सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ द सीरीज, सो आई होप इट वर्क्स वेल। यस, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द वॉचो ऑल्सो दैट यू नो सच अ नाइस, दे आर वर्किंग सो मच ऑन देयर कॉन्टेंट कि दे आर वेरी पर्टिकुलर नाउ व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेंट दे वॉन्ट टू रिलीज, एंड उनका काफ़ी सारा कोलैबोरेशंस भी है, अदर एंड मल्टी जॉनर है, ये अच्छी बात है, यू हैव अ कॉमेडी, यू हैव अ हॉरर, सस्पेंस, सब कुछ है। ये जो क्रिकेट और सी क्रिकेट में वैसे भी थ्रिल होता है और हमारी स्टोरी में भी थ्रिल है, तो जो मनगढ़ंत और ये क्रिकेट का जो मैच हुआ ना वॉचो पे, इट इज अमेजिंग, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो गया डेफिनेटली, ऐसा लग रहा है धोनी को लास्ट बॉल पे छेड़ना चाहिए, और आज ये भी आज वही हुआ। एसीबी का पार्ट बनना इज वेल, इट्स एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस, बट क्रिकेट हम लोग जो है ये मैं, दिलीप, शरद, मानव, हम लोग अब जो है वो उस जनरेशन के हो गए जो कि मतलब जिसके बाद 2 और जनरेशन ने क्रिकेट खेल ली, हम लोग लेकिन मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है, एंड बट यही है कि एक मेरे किसी दोस्त ने एक बार कहा था कि यू नो ऑल ऑल एक्टर्स आर फेल्ड स्पोर्ट्समैन,
अब मुझे लगने लगा है शायद वो सच है, बिकॉज पूरे साल हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते, मैंने तो 4-5 साल से नहीं खेला था, लेकिन ये एक टूर्नामेंट खेलने के लिए हर साल मैं वापस आ जाता हूँ। सो जहाँ तक आफ्टर पार्टी का सवाल है, मतलब यही एक दिन है जहाँ पे कि यू गेट टू मीट एवरीबडी, और सारे के सारे जो है अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो आए। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट इवनिंग स्पेंट। क्रिकेट का जब जिक्र होता है, सबसे पहले कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपके मन में आता है? नहीं, 3-4 आते हैं। ये सवाल आपने पूछना शुरू किया था, मुझे तभी पता था कि आप क्या पूछने वाले हैं, बट प्रोबेबली बिकॉज आई एम एन ओल्ड टाइमर, तो मेरे लिए ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर से बड़ा कोई नहीं हुआ। मिडिल ऑर्डर राहुल द्रविड़ जितने ग्रेट थे, महेंद्र अमरनाथ उतने ही ग्रेट थे, बिकॉज ओवरसीज उनसे बेहतर प्लेयर मैंने नहीं देखा। सचिन तेंदुलकर वो भगवान है तो है, सहवाग से ज़्यादा मज़े किसी ने नहीं दिलाए, और एम एस धोनी से बड़ा कप्तान मैंने कोई नहीं देखा। कप्तान धोनी के अलावा कोई नहीं हो सकता। देखिए, मैंने सिर्फ अभी तक तो उसका ट्रेलर ही देखा है, लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, और उम्मीद यही करता हूँ कि आज जबकि पूरी एक भीड़ सी आ गई है टेलीविजन और ओटीटी शोज की, उसमें अपनी जगह बना पाए। एक तरीके से कंपटीशन अच्छा भी है कि जहाँ पर आपको जो है कुछ एक कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई कहानी, कुछ कहानी कहने का एक नया तरीका हमेशा जो है लेकर आना पड़ता है। सो आई होप दैट द शो डज वेल, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम।